हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे देश के तीन नाम कैसे पड़े। देखिए, हमारे देश के तीन नाम आपको पता है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। बात करें भारत का नाम कैसे पड़ा, तो मान्यता ये माना जाता है कि देश का नाम भारत भगवान श्री राम के पूर्वज सम्राट भरत के नाम पर पड़ा है। ये भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे उनके सम्राट जो थे भरत के नाम पड़ा है। भरत कौन था वैसे? तो भरत जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे, वे चक्रवर्ती क्या थे? सम्राट थे। उनका साम्राज्य जो था वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। कहाँ तक? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। और भरत काफ़ी बहादुर भी थे, वह बचपन से ही शेर के साथ खेलते थे। भरत जो थे, यानी दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र भरत थे, वो बचपन से ही शेर के साथ खेलते थे। उनका जो नाम था वो भरत था, इसलिए उनके नाम पे ही भारतवर्ष नाम पड़ा। देखो, इसके अलावा ये भारत नाम पड़ने का एक और रीज़न है कि भारत का नाम को लेकर एक और मत है। जैसे बताया जाता है कि आर्य लोग यहाँ आए थे और बहुत सारे काबिलों के साथ वो कई विभिन्न हिस्सों में फैल गए थे, और उनमें से सबसे बड़ा जो कबीला था, वो क्या था? भारत नाम था उसका। इसलिए क्या नाम पड़ गया था? इन्होंने भारत नाम उन्होंने रख दिया। अच्छा, देखिए, सेकंड नंबर बात आती है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा? देखिए, हिंदुस्तान नाम के पीछे कई कहानी है। तो उसमें हिमालय की कहानी आपको बता देते हैं। हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में सिंधु नदी बहती है। आपको पता है कि हिमालय के जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें क्या? सिंधु नदी बहती है। इसके पास आसपास के इलाकों के क्या कहते हैं? सिंधु घाटी कहते हैं। उसके आसपास के इलाकों को हम लोग सिंधु घाटी कहते हैं। और मध्य युग के दौरान जब तुर्किस्तान के कुछ विदेशी लुटेरे, देखो मध्य युग की बात कर रहे हैं, मतलब मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मध्य युग के दौरान जब तुर्किस्तान के कुछ विदेशी लुटेरे और इनारी लोग जब यहाँ आए थे, सबसे पहले सिंधु घाटी पहुँचे थे। सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? सिंधु घाटी पहुँचे थे। क्यों? क्योंकि ये जो है हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में ये है, स्थित है। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदू नाम दिया था। यहाँ के लोगों को उन लोगों ने क्या? लुटेरे कौन? ये आपके जो तुर्किस्तान से जो विदेशी लुटेरे थे, क्या नाम दिया वहाँ के लोगों को? क्या दिया? हिंदू नाम दे दिया। और हिंदुओं के देश को उन्होंने क्या कर दिया? हिंदुस्तान नाम दे दिया। और यहीं से क्या हुआ? हिंदुस्तान नाम प्रचलित है। अच्छा, बात करें इंडिया का नाम क्या है, तो इंडिया के भी कई तथ्य हैं, फिलहाल जान लीजिए। जैसे बात करें इंडिया के नाम के पीछे भी कारण ये है, बताया जाता है कि जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्हें हिंदुस्तान बोलने में मुश्किल हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको पता चला कि सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली है। क्या नाम है? उनका नाम इंडस वैली है। तब उन्होंने क्या किया? इसको इंडिया नाम दे दिया। और बात करें, ये विश्व प्रसिद्ध है, इंडिया का नाम विश्व स्तर पर अंग्रेज शासन के दौरान सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था और आज भी प्रसिद्ध है इंडिया नाम से। तो ये थी भारत के तीनों कहानी, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया नाम कैसे पड़ा था, हमने आपको बता दिया।